के माया की बती तेरी मती मारी गई शायद, तुझे काशी राम नहीं राम नजर आते हैं। ये तिलक तराजू तलवार से तू लड़ मत, तेरे ही भले की हम तुझे समझाते हैं। जबकि हमारे मुस्लिम भाई संभालते हैं उस बिजनेस को, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उनके लिए पूरे रास्ते खोले। और समाजवादी पार्टी और बसपा के समय में सहारनपुर को पूरा टापू बना के रख दिया। जब से इस सरकार आई, आयुष्मान कार्ड ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, पैसे नहीं। स्वनिधि के अंतर्गत मोदी जी ने जगह जगह स्टॉल लगवाए हैं। आप जाइए पूरे शहर में, कम से कम 10 जगह ऐसे लगे हुए हैं और हर जगह 20 से 30 लोगों को रोजगार मिला है। और एक हब बनाया कि हाँ जी, यहाँ फूड, ये फूड का एरिया है, मतलब यहाँ खाने का एरिया, एक तरफ पूरा एरिया बना दिया। उससे एक तो शहर में जाम लगने वाला जाम भी खत्म हुआ, जगह जगह लगने वाले जाम से दिक्कत खत्म हुई, और एक एक जगह उन्होंने उसकी जगह निर्धारित। कास्ट उद्योग के लिए जाना जाता है, जहां तक मैंने देखा सहारनपुर को, उसमें कितना बदलाव देखा और कितने रोजगार के आयाम। आप कास्ट नगरी हमारे यहाँ चलिए, जिस रोड पर कास्ट का काम है उस रोड पर जाके उन लोगों से बात कीजिए, वो आपको खुद बताएंगे कि पिछले 7-8-10 सालों में हम लोगों ने जो तरक्की की है वो पहले कभी नहीं करी। उनके यहाँ रोड बनी है, उनके यहाँ जाके देखिए ना, उनकी दुकानों पर सामान कितना, उनका निर्यात करने में कितनी आसानी हो रही है। हमारा सामान पहले बाहर जाता ही नहीं था, विदेशों में पूरा सप्लाई हो रहा है अब उनका सामान। और पहले से अगर उनके मौके और उनको, जबकि हमारे मुस्लिम भाई संभालते हैं उस बिजनेस को, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उनके लिए पूरे रास्ते खोले और बिल्कुल उनका काम पहले से 2-2, 3-3, 4-4 गुना बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उद्योग में इतनी जल्दी जल्दी बढ़ोतरी हो रही है, इतना फायदा हो रहा है। योगी जी अभी अब से पहले क्या था, हमारे देश के अंदर तीन सत्ताएं हैं, तीन लोग हैं। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल वो पूरा ब्रह्मचर्यकार, पूरा आध्यात्मिक है वो। जब से राष्ट्रपति भवन में भी आई, ऐसी राष्ट्रपति इन्होंने दी, लहसुन प्याज तक बंद हो चुका राष्ट्रपति भवन, जहाँ से देश की सत्ता चलती है। दूसरे नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो शादी नहीं की, उन्होंने शादी करी लेकिन उन्होंने वो ब्रह्मचर्य जीवन जिया उन्होंने। तीसरे नंबर पर हमारे योगी जी हैं, उन्होंने तो शादी नहीं करी। योगी जी है एक, और वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं पूजा पाठ में। एक पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पहले उन्हें फायदा उठा कि शादी हो ना हो, दूसरी शादी कर ली, मुख्यमंत्री होने का उनका रिश्ता भी हो गया, और वो 4 बजे बैठ जाओ भाई, ठेके खोल लो। तो जिस प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसे ऐसी योगी, मतलब आम आदमी पार्टी का, कि वो पूरा नशा, मतलब एक और तो उत्तर प्रदेश, वहाँ ऐसा मुख्यमंत्री जो नशे से तो क्या दूर हो, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, लेकिन आपकी ये बात ना, ऐसा ना हो कि आजकल का युवा इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाए कि ब्रह्मचर्य का ही पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन करे तो बहुत बढ़िया। हमारे सनातन धर्म में ही नीति थी, एक सिस्टम था 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना विद्यार्थी के रूप में, जिससे सही बात है, सही। दूसरी बात, आप एक चीज देखो मैडम, अब से पहले किसी को कैंसर, एक गरीब आदमी को कैंसर हो गया, कुछ भी होगी, उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो निश्चित थी उसकी मौत। जब से इस सरकार आई, आयुष्मान कार्ड ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, पैसे नहीं होते आयुष्मान कार्ड के, उस पर बहुत सारे लोगों, लाखों घरों के चिराग बच चुके हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों ना हम चुने दोबारा। जी बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगता है इतने बदलाव हुए हैं। जी आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ तो लगभग सब संतुष्ट दिख रहे हैं, योगी जी से, मोदी जी से, आपकी क्या राय? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो यहाँ कार्य हो रहा है उससे सब लगभग संतुष्ट हैं, मगर जो योजनाएं माननीय मोदी जी की और योगी जी की हैं, पर वो योजनाएं बिल्कुल धरातल पर अगर सही तरीके से नीचे मैनेजमेंट से हो जाए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है, मगर कहीं अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मामला है कि योजनाएं ऊपर से बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं प्रशासन की या किसी ढील में कुछ योजनाएं कहीं धरातल तक जो मिलनी चाहिए नीचे तक वो नहीं मिल पाती। कौन सी योजना, कोई उदाहरण दीजिए ना तो और आसान होगा। जैसे अभी हमारी शिक्षा की भी बहुत अच्छी योजनाएं, अभी नई शिक्षा नीति भी आई है और बहुत अच्छी योजना उसमें है, मगर वो शिक्षा के मैनेजमेंट नीचे तक जो एनसीईआरटी का कोर्स उसमें होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिससे एक अभिभावक को एक लाभ मिल सके। तो ऐसी तमाम योजनाएं सरकार की बहुत बढ़िया है, मगर निचले स्तर तक थोड़ा उस पर पूरा फोकस उस पर किया जाए तो बहुत अच्छा मैसेज उसका जाएगा। सरकार अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है अभी, और उसी के ऊपर ये लोकसभा का चुनाव भी यहाँ होने वाला है और पब्लिक ज्यादातर सब संतुष्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कब धरातल पर थोड़ी योजनाएं नीचे तक उसका मैनेजमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा प्रयास सरकार का चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है। किसी भी व्यक्ति ने ना ही आपने यहाँ सहारनपुर की एक कैंडिडेट की बात नहीं करी, तीनों कैंडिडेट के अंदर अगर कोई व्यक्तित्व है, कोई चेहरा है, कोई ईमानदारी है, कोई सद्भावना है,
तो राघव लखन पाल शर्मा में है। अगर कहीं वोटी वोटी के नाम से जाने जाते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट जाने जाते हैं, अगर कोई मीट के व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं तो यहाँ के सांसद फजलुर रहमान जाने जाते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा के समय में सहारनपुर को पूरा टापू बना के रख दिया, और पूरे 5 साल में इनके सांसद की तो छोड़ो, इनकी इनकी नेता मायावती ही 5 साल में सहारनपुर। पर एक सवाल देखिए, एक सवाल ये है, 2014 में जब मोदी लहर से प्रभावित होकर सहारनपुर ने बीजेपी को चुना था तो 2019 में क्या? देखिए वो बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के और सहारनपुर के एक एक नागरिक ने सोच लिया कि बदला लेना है, डबल वोट से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। ये ठेस है, हार जीत चलती रहती है। और मायावती के बारे में एक ही बात कहूंगा कि माया की वती तेरी मती मारी गई शायद, तुझे काशी राम में ही राम नजर आते हैं, कि तिलक तराजू तलवार से तू लड़ मत, तेरे ही भले की हम तुझे समझाते हैं, बुद्धिहीन मत छीन कर अपनी वाणी को, तेरे शब्द गांधी जी की आत्मा दुखाते हैं, नाम लेवा पानी देवा भी ना मिलेगा कोई, ये भरी सभा में हम कह कर जाते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही बेहतरीन जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं योजनाओं की बात हो रही है, स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में जनता कह रही है कि हम संतुष्ट हैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से, और इसीलिए मोदी जी को डबल वोट से जिताएं। बिल्कुल, आपने ही मेरी बातों का जवाब खुद ही रख दिया, जो मुझे कहना था वो सब आप ही ने कह दिया। मैं तो इन लोगों की बात नहीं, जो सब कह रहे हैं वही आपने कहा, और मैं भी उसमें सहमति जताता हूँ, ऐसा ही है जो जनता कह रही है। मैं फिर कैंडिडेट पे आ जाता हूँ। कैंडिडेट पे आइए, मैंने भी सवाल किया। कैंडिडेट आप अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं भाजपा के सामने, उनका इतिहास उठाकर देखें, वो तो अगर उन्हें बीच में सत्ता से जनता हटाती ना तो शायद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के टक्कर का एक आदमी सहारनपुर में भी होता। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए बड़ी, ये तो जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया कि लगातार वो सत्ता में रह पाए, और ये कारण है कि आज उनकी नकेल कसी हुई है, और वो चाह रहे हैं कि मुझे दोबारा मौका मिले, और जनता ऐसे आदमी को कतई मौका देने के मूड में नहीं। किनकी बात कर रहे हैं? मैं शहरों में सब कह चुका हूँ, पूरा सहारनपुर जानता है, बल्कि पूरा देश जानता है, जो आदमी प्रधानमंत्री लेवल के आदमी के लिए ये कहता हो कि हम 40% है बोटी बोटी कर देंगे, ये गुजरात नहीं है, उसको सब जानते हैं, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, इस तरह की गुंडाई करने वाला आदमी जो IAS IPS लोगों पर हाथ उठा देता हो भरी महफिल में, घंटा घर जैसे मेन चौराहे पर, उसकी आप हिम्मत देखिए, आम आदमी की उसके सामने बोलने की औकात नहीं थी। तनिक शोरूम लुट जाता था यहाँ, बिल्कुल ऐसे जगह पौश इलाके में, और वो भी दिवाली से 2 दिन पहले। कौन लोग थे यहाँ पे जिन्होंने पूरा शहर जला दिया, वो कौन लोग थे, किसके यहाँ शरण मिलती थी, सबको पता है। तो जनता जानती है, दोबारा गुंडा राज बनाने का मौका नहीं देना। और दूसरी तरफ राघव लखन पाल शर्मा जी की आप छवि पूछ लें, किसी से पूछ लें, इतने लंबे समय तक वो पहले विधायक रहे, MP रहे, अगर किसी ने कभी 1 रुपए का भी उन पर लांछन लगाया हो, किसी योजना में 1 रुपए की भी हेरा फेरी का आरोप उन पर लगा हुआ हो, या उनकी छवि में किसी प्रकार का भी कोई दाग हो, तो जनता के सामने सब स्पष्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि हमें सांसद चाहिए, गुंडा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। और देखिए, अभी हाल ही में हमने देखा मुख्तार अंसारी के अंत के बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश तो गुंडे राज से, माफिया राज से ही मुक्त हो चुका है। जी क्या कहेंगे? गुंडा राज तो पूरे प्रदेश से, सहारनपुर से लेकर के जो लास्ट जिला है वहां तक खत्म हो चुके। आज आप पूरे प्रदेश के अंदर एक भी माफिया का नाम नहीं बता सकते कि उससे कोई डरता है, सब खत्म कर दिया गया है। और एक समय तो यहाँ पे जब 2012 से लेकर 2017 तक सपा की सरकार थी, हमारे इसी रोड पर ज्वेलरी का शोरूम लूट ले गया था दिन दहाड़े, और वो भागे, उनको पता नहीं लगा, पुलिस ढूंढ नहीं पाती थी। पुलिस क्या काम करती थी, भैंस ढूंढती थी आजम खान की, और भैंस ढूंढ के देती थी, लेकिन गुंडे नहीं पकड़े जाते थे, माफिया नहीं पकड़े जाते थे, भैंस के गुंडे पकड़े जाते थे, ये हाल था। और सबसे बड़ी बात पता क्या थी, 2007 में मायावती बहन जी ने ये वाला हाईवे पास करवाया, 2007 से लेके 12 तक नहीं बना,
2012 से 17 तक 450 करोड़ पास हुए और वो फाइलों में हाईवे बंद करके बता चुके हैं मुझे कि वो फाइलें भी बंद होता वो फाइलें सब अपना काफी लंबा वक्त लग गया। अब वो हाईवे हमारे होने वाले सांसद जी राघवपाल शर्मा जी ने बनवाया, उसके लिए पैसा लेकर आए थे और वो बहुत तैयार हो गया है। तो ऐसे हमारे सांसद जी हैं। हम 400 पार ना ऐसे का नारा नहीं देते हैं, राम हो या रहीम हो। अगर गांव में सड़क बनेगी तो गरीब को पता है कि मेरे सड़क बन चुकी है। गरीब के स्कूल बनेगा गांव में तो उसे पता है स्कूल बन चुका है। उसे नेताओं से क्या लेना देना, उसे क्या लेना बोर्ड में क्या जा रहा है, पैरा केसेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गरीब आदमी को तेरा पता है मेरी सड़क नहीं थी मेरी सड़क बन गई, मुझे स्कूल चाहिए था मुझे स्कूल बन गया। 400 नारा ऐसे नहीं दिया जाता, 400 नारा लोग करते हैं। गरीब आदमी वोट देता है तो 400 पार होते हैं, तो गरीब पूरा वोट देगा, जब उसे विकास मिलेगा तो गरीब वोट देगा और 400 पार पूरा होगा। एक रणनीति की बात हो रही थी, एक रणनीति की कि क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर ज्यादा है इसलिए दोनों ही चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर बसपा हो मुस्लिम उन्होंने उम्मीदवार उतारा जिससे उनको जीत हासिल हो, इस पर क्या कहें? जो आज मुस्लिमों को और रिझाकर अपने आप को मुस्लिम नेता बनाना चाहते हैं, उनके राज में क्या हुआ था कि गुंडा एक्ट से पैक्ट किससे ली, ये तुमने किया जरा कोई भाई साहब गा के बताते जरा मन के भाव। कवि हूँ मैं। ये गुंडा एक्ट से पैक्ट किससे ली, ये तुमने किया जरा कोई ढंग का कारण तो बताइए। आपके भी माँ होगी बहन आपके भी होगी उनकी तरफ भी नजर तो घुमाइए। यादवों के वंशजों तो यादवों सी बात करो, महाभारत के कृष्ण बन के दिखाइए। द्रौपदी बनी खड़ी है सारी जनता आपकी, माफिया किंगों से चीर हरण बचाइए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से बोल रहे हैं भाई साहब, जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था, आप अभी पूछ रहे थे ना हमारे साथियों से कि 2019 में क्यों हार गए थे। वो कारण हारने का ये था कि मैंने भी आपकी थोड़ी देर पहले आपके डिबेट में कहा कि वोट जरूर देने जाना, घूमने मत जाना। ये कुछ समय पिछली बार जो है ना, कुछ लोग हमारे लोग जो है चले गए थे घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। मैडम हम ये कहते हैं आप कोई भी काम करो, आप अपने घर में दिवाली मनाते हो, हर साल मनाते हो ना, तो ये 5 साल बाद तंत्र की जीत होती है, इसे वोट जरूर दे के जाएं। आप घूमने जाएं कोई बात नहीं, वोट देने के बाद चले जाएं। जो आप 3 दिन पहले रिजर्वेशन करा लो, छुट्टियां कर लो, फ्लैट बुक कर लो, वहाँ होटल बुक कर लो, कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं व्यक्ति विशेष का नाम, लोकतंत्र का महापर्व भी मरा है ना, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, जना व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का नाम लूंगा। वो लोग अपनी छुट्टी ले करके सारा काम छोड़ करके स्पेशल सिर्फ वोटिंग करने आते हैं, और हमारे लोग अपना काम छोड़ करके वोट छोड़ के बाहर घूमने चले जाते हैं। तो ये यही चूक गए हम 2000 लोग चूकते हैं, ये यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह ही काम है। जो दूसरे लोग हैं वो तो स्पेशल काम छोड़ के छुट्टी लेके आते हैं, उनके जो ऑनर होते हैं मालिक जो होते हैं वो भी कहते हैं हाँ जा रहे हो जाओ छुट्टी है, पर हमारे वाले कहते हैं जा रहे हो 2 दिन काट लो। नहीं ये नहीं होना चाहिए, हमारे वालों को भी ये छूट देनी चाहिए पूरी। तो आपके वाले कौन है? मतलब देखो हमारे वाले भाजपा वाले, मैं हिंदू बिरादरी किसी की नहीं होती, सबकी एक जैसी होती है, सारी बिरादरी एक जैसी होती है, मगर हिंदू बिरादरी एक अलग है। जो भाजपा का वोटर है उसे वोट जरूर डालना चाहिए, उसे राम जी की कसम है वो अब की बार वोट जरूर डाल के जाएगा। भाजपा का वोटर यानी हिंदू वोटर, मुस्लिम वोटर्स का क्या फिर? है सब है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि राघव भैया एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में है जो किसी को मोहताज नहीं है, पब्लिक उनको जानती है, और पहला सांसद ऐसा होगा हमारे बीच में कि जो हमारे फजल रहमान है वो तो दिखाई नहीं दिए, फजल रहमान तो दिखाई नहीं दिए, कोरोना काल भूल गए हम लोग, जो कोरोना काल में राघव भैया हमारे बीच में रहे हैं और उन्होंने इतनी सपोर्ट किया है, इतना राशन हमारे क्षेत्रों में बंटवाया, हम लोग दलित बस्ती आते हैं वहाँ पर इतना राशन उनके द्वारा बंटवाया गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद बाढ़ आई तो उस बाढ़ में भी राघव भैया दिखाई दिए, फजल रहमान जी दिखाई नहीं दिए, वो शायद हाथी की सवारी पे थे इसलिए वो दिखाई नहीं दिए। और इसके अलावा भी हमारे पास यूनिवर्सिटी हमें राघव भैया की देन है, हमें आपका रेलवे दोहरीकरण हमें राघव भैया की देन है, 2018 में हमें स्मार्ट सिटी, हमें सहारनपुर जो नगर निगम स्मार्ट सिटी बना है वो भी राघव भैया की पहचान है और उनके द्वारा इतना काम किया गया। यदि हम उनको अपना वोट भी ना दें तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और मैं सभी पब्लिक से निवेदन करना चाहूँगा, मतभेद भुलाकर ये सड़क नाली के लिए वोट नहीं देना है, हमें अपने देश को मजबूत करने के लिए वोट देना है, हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो हमारे देश की नींव है, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी है, तो हम ये चाहेंगे हमारी लोकसभा नंबर 1 की सीट जो है इस बार राघव भैया के पास जाए और हमें अधिक से अधिक वोटों से यहाँ पर उनको मिनिस्टर भी बनाना है। इस बार कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में राघव भैया बन के आएंगे ऐसी मैं मुझे उम्मीद है, और एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ हमारी जीत होगी। मैं इसके लिए आपको और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ अधिक से अधिक वोट डालें। वोट अपील एक बार और कर दीजिए, सहारनपुर के लिए वोट करें।
सहारनपुर के लिए अधिक से अधिक वोट करें और राघव भैया को सपोर्ट करें और छुट्टी मना लेना चाहे। और छुट्टी के लिए मैं आपको भाई की बात को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी प्रशासन से भी ये डिमांड करना चाहेंगे, जितने हमारे लोग हैं वो चाहे हिंदू है मुस्लिम हो, उनको भी वोट डालने का अधिकार है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र हमारे पर्व के रूप में हम मनाते हैं, जैसे हम दिवाली ईद मनाते हैं इसी प्रकार से हम अपना चुनाव को भी अपना पर्व के रूप में मनाएं और अपना एक अच्छा उम्मीदवार मुस्लिम भाई भी हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में इस बार राघव भैया को वोट दे रहे हैं, उनकी जो गलत फहमियाँ हैं कुछ लोगों की उनकी अब कार दूर हो जाएगी और उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगेगा जो शायद उनको कभी उम्मीद भी ना होगी चुनाव लड़ने की आगे, ऐसी मुझे उम्मीद है पूरे। मैं सहारनपुर की जनता से एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर सांसद संसद में हमारा व्यक्ति सहारनपुर का सांसद अगर जैसे फजलुर रहमान जी थे, उन्हें यही नहीं पता कि सहारनपुर में विकास कैसे होना है, सारा संसद में बात करने का उनको पता नहीं है, कम से कम सहारनपुर की जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे कैंडिडेट चुने जो संसद में जाकर सहारनपुर के लिए आवाज उठाए, कम से कम कुछ बताए तो कि वहाँ पे किस चीज का विकास होना है, कोई तकनीक बनाए और तकनीक बनाकर सहारनपुर की जनता को विश्वास दिलाए कि राघव लखनपाल शर्मा ही एक व्यक्ति ऐसा है जो संसद में सहारनपुर के लिए आवाज उठा सकता है और हमेशा से 5 साल से उठाता आया है, पहले भी जब संसद थे उन्होंने तब इतने अनेकों काम करे और अब की बार भी वह सांसद बन के सहारनपुर की जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो मेरा सभी सहारनपुर की जनता से ये अपील है, आने वाली 19 अप्रैल को भारी मतों से राघव लखनपाल भैया को विजय बनाएं और सांसद में अपनी आवाज उठवाएं। जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ये तो बात हो गई जनता की और देखिए हमारे सहयोगी भी लगातार जो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं वो भी जनता के मन को टटोलते हैं, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, अभी हमने सुना जिस तरह से लगभग माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है, लोगों का कहना है कि पिछले बार गलती हो गई थी, इस बार वो गलती दोहराएंगे नहीं और जो पिछले बार कम वोट दिए थे डबल वोट से इस बार बीजेपी। देखिए शुभांगी, बिल्कुल कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, तो सहारनपुर की जनता एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती है, लगातार अगर बदलाव की बात की जाए बदलाव वाले व्यक्ति पर भरोसा करती है। 2014 की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना पूर्ण बहुमत से अगर सीट निकाली थी, अगर 2019 की बात की जाए तो बसपा ने खाता खोला था, लेकिन अब की बात की जाए तो अब की बार फिर वो बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि जनता यहां पर चाहती है कि एक व्यक्ति ही उनका भला नहीं कर सकता है, लगातार अगर बदलते रहेंगे प्रत्याशी बदलते रहेंगे, जो लोकसभा कैंडिडेट है वो बदलते रहेंगे तो अच्छा विकास कर पाएंगे, लेकिन 2019 से और 24 तक की बात की जाए तो वो विकास से संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से मेन मुद्दा निकल के आता है। अगर हकीकत की बात की जाए, धरातल की बात की जाए, लोगों ने आपके सामने बताया कि प्रत्याशी को और लोकसभा अपने सांसद को लोग नहीं पहचान पाएंगे, तो कहा जा सकता है एक वर्ग विशेष के लोगों की अगर बात की जाए तो यहां पर काफी बड़ी तादाद में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार चुनाव बेहद खास रहने वाला है। माना जा सकता है कि सहारनपुर की जनता जिस तरह से बदलाव की नीति यहां पर देखती है, जनता की बात की जाए जनता एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती है। अगर पहले की बात की जाए 2009 से और 14 तक की बात की जाए तब भी बदलाव देखने को मिला था, राघव लखनपाल पर लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर रही है, लेकिन 2019 में जिस तरह से उनके लिए मात मिली है कहीं ना कहीं ये सबक सिखाती है कि जनता जिस मुद्दों पर चाहती है, जो जनता मुद्दे चाहती है, जो विकास चाहती है वो नहीं कर पाए, वो भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर भरोसा जताया। माना जाए देखा जा सकता है कि जनता अब की बार किसके साथ रहती है। देखिए राघव लखनपाल के लिए भी ये कहा जाए कि राघव लखनपाल जी के लिए भी एक चुनौती है जनता, क्योंकि बहुत प्रेम से बहुत विश्वास के साथ उनको मौका देना चाहती है, इस पर क्या कहेंगे, क्या एक बड़ा चैलेंज होगा फिर राघव लखनपाल? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इस बार फिर राघव लखनपाल पे दांव खेला है सहारनपुर में। अगर देखा जाए 2014 से लेकर अब तक का, चूंकि 2014 में जब राघव लखनपाल सांसद बने थे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जनता के बीच में ना जाना और विकास कार्यों पर ध्यान न देना, ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी यहाँ पर बनी थी। उसी के चलते 2019 में कुछ ये माहौल बना था कि जो सांसद थे राघव लखनपाल वो जनता के बीच नहीं गए, उन्होंने लोगों से बात नहीं की, इसके अलावा विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा कहीं ना कहीं 2019 के में जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह जो आती है निकल कर वो भी यहाँ पर सामने आई थी बीजेपी पार्टी में, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान देखने को मिला था। लेकिन 19 से लेकर अब तक जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खूब मेहनत यहाँ पर की, लगातार वो जनता से मिले हैं और उनके मुद्दे उठाए हैं, विकास कार्यों पर फोकस किया है और बड़े बड़े जो चाहे बीजेपी के वो अमित शाह यहाँ पर गृहमंत्री हैं उनके पास तक वो पहुँचे हैं, पीएम मोदी तक वो पहुँचे हैं, तो उस पर काम किया है। उसी को लेकर अगर देखा जाए फिलहाल लोग उनसे खुश हैं, प्रत्याशी से खुश हैं कहीं ना कहीं। और अगर बात की जाए विपक्ष की, इमरान मसूद उनके सामने यहाँ पर हैं, सपा और यहाँ पर गठबंधन हो चुका है कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी यहाँ पर मजबूत है, उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। इमरान मसूद यहाँ पर विधायक रहे हैं 2007 में, इसके अलावा नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे, लेकिन लगातार उसके बाद से वो कहीं ना कहीं हार का सामना करते रहे हैं।
लेकिन अगर उनकी वोट की बात की जाए, 2014 के चुनाव की बात हो या फिर 19 के चुनाव की बात हो या फिर जो उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं इमरान मसूद को भी अच्छा यहाँ पर वोट मिला है। पश्चिम यूपी के अच्छे बड़े नेता यहाँ इमरान मसूद यहाँ माने जाते हैं। फिलहाल अगर सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल जो रुख है लोगों का, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो या फिर हिंदू वोटर, कहीं ना कहीं बीजेपी के रुख में यहाँ पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जैसा आपने बताया कि वोट मार्जिन पहले भी इमरान मसूद ने क्रैक किया था, आपको ऐसा लगता है इस बार क्रैक होगा गठबंधन में जब इमरान मसूद? बिल्कुल, देखिए इस बार कहीं ना कहीं क्रैक तो होगा, लेकिन इस बार बसपा ने यहाँ से अलग अलग चुनाव बसपा लड़ रही है, तो माजिद भी यहाँ पर सामने है, और यहाँ पर माजिद का क्योंकि वो भी यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक रुतबा है, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं बीच में जो है अपना वोट। और वैसे भी देखिए इमरान मसूद जी अगर विधायकी कर चुके, लोकसभा का चुनाव एक अलग प्रकार का। बिल्कुल, देखिए इमरान मसूद विधायक रहे हैं, लेकिन 2007 में विधायक रहे हैं, तब का माहौल कुछ और होता था, है ना, और वो उस टाइम पे जो उनकी विधानसभा थी वो बिल्कुल एक अलग इलाके से थी, मुजफ्फराबाद जो इलाका यहाँ पड़ता है विधानसभा थी। तो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में धरती आसमान का अंतर होता है। 5 विधानसभाएं हैं फिलहाल इस चुनाव में, और कहीं ना कहीं अगर 2014 की बात की जाए या 19 की बात की जाए तो उस टाइम पे 2 विधायक ऐसे होते थे इस 5 विधानसभा में जो इमरान मसूद के बनाए हुए विधायक थे। तो एक इमरान मसूद का एक नाम बड़ा यहाँ पर पश्चिम में माना जाता है, और इस बार भी माना कि वोट अच्छा उन्हें यहाँ पे मिलेगा सहारनपुर में। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक तरफा जीत की जैसे दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, शायद इस बार एक तरफा जीत नहीं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, बदलाव की नीति सहारनपुर ने समय समय पर अपनाई है, और जिस तरह से 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि यहाँ पर बसपा को मौका दिया गया, 2024 के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि जनता आशीर्वाद किसको देगी। 4 जून को पता चल जाएगा कि सहारनपुर ने इस बार किस बदलाव के चलते किसको यहां पर चुना है और किसको मौका दिया है कि वो आए और विकास की लहर दौड़ाए। कैमरामैन राज चौहान के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। क्या ये सहारनपुर? चलो फिर से साइन ऑफ करिए। कैमरामैन राज के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, सहारनपुर।